इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेड ट्रांसफॉर्म के कुछ और प्रॉब्लम के बारे में। यहाँ पे हमने दो एग्जांपल लिए हैं। पहला एक्शन इज इक्वल टू डेल्टा एन यानी इंपल्स फंक्शन का हमने जेड ट्रांसफॉर्म फंक्शन फाइंड करना। सेकंड एक्शन इज इक्वल टू माइनस एक फाइनाइट सिग्नल लिया हमने। देखो इसके इस वाले के बारे में तो हमने प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी थी, लेकिन फाइनाइट सिग्नल जब आता है उसकी प्रॉपर्टी हमें पहले से ही पता थी। उस फाइनाइट को देखते ही समझ आ गया होगा उसके आरओसी में क्या होता है। जो हम दो ही चीजें होती हैं, एक तो ओरिजिन को ओरिजिन और जेड इक्वल्स टू इन्फिनिटी को इंक्लूड करना है या नहीं, ये उसके आरओसी में बस आएगा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं देखा जाता। तो हमारे इसमें जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसके आरओसी के बारे में हमें पहले से ही आइडिया कि इसका जेड इक्वल्स टू जीरो जेड इक्वल्स टू इनफाइनाइट, बस उन्हीं दो चीजों को देखना है वो इंक्लूड होगा या नहीं। ये चीज हम देखो प्रूव भी करेंगे प्रॉब्लम से। तो पहला क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना। जेड ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स ऑफ जेड इक्वल्स टू समीशन समीशन एन इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्स ऑफ एन इंटू जेड की पावर माइनस एन। तो एक्स एन पहला पार्ट करते हैं। पहले पार्ट में हमें एक्स एन की वैल्यू डेल्टा एन दे रखी है। एक्स ऑफ जेड क्या हो जाएगा? समीशन एन इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्स एन की वैल्यू दे रखी है हमें डेल्टा एन इंटू जेड की पावर माइनस एन। अब हमें डेल्टा एन की खासियत पता है, जिससे भी वो मल्टीप्लाई होता है जिस भी फंक्शन से वो क्या कर देता है एन इक्वल्स टू जीरो उसमें पुट कर देता। तो जब यही काम मैं इसमें करने जाऊंगा तो मेरा एक्स ऑफ जेड कहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा? जेड की पावर माइनस एन में से मल्टीप्लाई हुए तो इसमें क्या रख दूंगा मैं एन इक्वल्स टू जीरो। एक्स ऑफ जेड मेरा क्या हो जाएगा? जेड की पावर जीरो जो कि होता है कितना? वन। तो हमें यहां से डेल्टा एन का जेड ट्रांसफॉर्म मिला वन। डेल्टा एन का जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो फॉर्मूले तो कुछ फिर फॉर्मूले तो याद रखने ही पड़ेंगे। कितना होता है वन? इस ये इंडिपेंडेंट ऑफ जेड आ रहा, इसका मतलब आरओसी क्या होगा? आरओसी क्या होगा? विल बी एंटायर जेड प्लेन, पूरा का पूरा जेड प्लेन के लिए डिफाइन होगा। कहीं कोई भी जेड की वैल्यू डालो सब जगह डिफाइन मिलेगा। तो यहाँ पे जेड आया ही नहीं तो जेड से तो हम बच गए, यानी जेड की हर वैल्यू के लिए क्या है इसका आरओसी डिफाइन होगा। सेकंड पार्ट करते हैं। हमें जो फाइनाइट सिग्नल दे रखा उसको मैं एक बार कॉपी कर देता हूं। अब देखो जेट मैंने क्वेश्चन उतार लिया, जेट ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लिख लिया। तो जहां पे एरो लगा होता है तो वो वैल्यू होती है एन इक्वल्स टू जीरो। तो इसकी ये पोजीशन है एन इक्वल्स टू जीरो, उसके राइट साइड में प्लस की वैल्यू चलती है एन इक्वल्स टू वन के लिए, ये एन इक्वल्स टू टू पे। इसके लेफ्ट हैंड साइड में ये होता है एन इक्वल्स टू माइनस वन और ये होता है एन इक्वल्स टू माइनस टू। यानी कहने मतलब एक्स ऑफ जीरो की वैल्यू माइनस वन है, एक्स ऑफ वन की वैल्यू फाइव है, एक्स ऑफ टू की वैल्यू फोर है, एक्स ऑफ माइनस वन की वैल्यू माइनस टू है, एक्स ऑफ माइनस टू की वैल्यू माइनस फोर है एंड सो ऑन। तो हमारा सिग्नल है एन की वैल्यू माइनस टू से लेकर टू के बीच में केवल, इसके अलावा जीरो होगा। तो एक्स ऑफ जेड की जो लिमिट है हमारी कहां से कहां तक रिड्यूस हो जाएंगी? एन की वैल्यू केवल माइनस टू से लेकर टू के बीच में रहेगी, एक्स ऑफ एन जेड की पावर माइनस एन। अब इन्हीं लिमिट को मैं ओपन कर देता हूं तो मेरा सिग्नल किस में रिड्यूस हो जाएगा? पहले एन इक्वल्स टू माइनस टू रखेंगे तो एक्स ऑफ ये हो जाएगा माइनस टू इंटू जेड की पावर। देखो अगर माइनस टू रखता हूं तो कितना हो जाएगा? माइनस ऑलरेडी है। कहने मतलब जब नेगेटिव चीज रखू पावर नंबर रखूंगा तो पावर क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। ठीक, तो ये हो जाएगा जेड की पावर टू। अगेन जब माइनस वन रखूंगा तब भी प्लस बन जाएगी, जब नेगेटिव पावर रखेंगे तो क्या होता है पावर पावर प्लस होती चली जाएगी, जेड की पावर वन हो जाएगा। देन अगर जीरो रखूंगा तो कितना हो जाएगा? जेड की पावर जीरो हो जाएगा। वन रखेंगे तो एक्स ऑफ वन जेड की पावर माइनस वन, एक्स ऑफ टू जेड की पावर माइनस टू। तो नेगेटिव नंबर्स के लिए जेड की पावर नेगेटिव आएगी, सॉरी पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव के लिए नेगेटिव आएगी।
अब ये सारी वैल्यूज हमें पता है, तो सारी वैल्यूज को इसमें रख देते हैं x ऑफ z में, देन x ऑफ z कितना हो जाएगा, x ऑफ माइनस टू कितना, माइनस फोर, माइनस फोर जेड की पावर टू, x ऑफ माइनस वन कितना, माइनस टू, माइनस टू जेड की पावर वन, ठीक, x ऑफ जीरो कितना, माइनस वन, जेड की पावर जीरो तो ऑलरेडी वन होता है, तो ये माइनस वन ही बचा केवल, x ऑफ वन है हमारा फाइव, यानी फाइव जेड की पावर माइनस वन, एक्स ऑफ टू है हमारा फोर, यानी फोर इंटू जेड की पावर माइनस टू, ठीक। तो मैंने यही कहा था यहाँ पे, इस चीज को अगर मैं दूसरे तरीके से लिखूं तो हमारे जो पोल है कहाँ कहाँ पे मिलेंगे, ये हो गया माइनस फोर जेड की पावर टू, माइनस टू जेड, माइनस वन, फाइव अपॉन जेड हो जाएगा ये, और ये फोर अपॉन जेड स्क्वायर। तो यहां से देख रहे होगे तुम, एक जो हमें पोल मिल रहा जेड इक्वल्स टू जीरो मिल रहा, दूसरा क्या, अगर मैं जेड इक्वल्स टू इनफाइनाइट रखता हूँ इसमें क्या ये डिफाइन होगा, जेड इक्वल्स टू इनफाइनाइट रखूंगा तो पूरा क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हमें दो जगह पे ये डिफाइन नहीं है, एक जेड इक्वल्स टू जीरो पे, जेड इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे, तो ये क्या होना चाहिए, जो हमारा मोड ऑफ जेड है शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो एंड इनफाइनाइट, ये दो जगह क्या नहीं है, डिफाइन नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, इस चीज का मतलब क्या है कि हमारा जो आरओसी है वो क्या होगा, इंक्लूड नहीं करेगा जेड इक्वल्स टू जीरो एंड जेड इक्वल्स टू इनफाइनाइट। तो आरओसी हमारा किस टाइप का होगा, एक होगा जेड इक्वल्स टू जीरो को इंक्लूड नहीं करेगा, एक होगा कहीं पर जेड इक्वल्स टू इनफाइनाइट जहां पे उसको इंक्लूड नहीं करेगा, बाकी का सारा प्लेन के लिए क्या होगा, ये डिफाइन होगा, जेड इक्वल्स टू जीरो को नहीं करना, ठीक है, पूरे प्लेन के लिए क्या होगा, डिफाइन होगा केवल दो जगह को छोड़ के, एक तो जीरो को, ये केवल, अब देखो इनफाइनाइट तो हम यहाँ पे नहीं दिखा सकते ना, हम क्या करेंगे इस चीज को, ये चीज को स्टेटमेंट में लिखेंगे कि ROC will not include z equals to zero and z equals to infinite, ठीक है, ताकि ये पता लगे, क्योंकि ROC में तो ऐसा लग रहा हो कि z equals to zero भी है और infinite तो हो गई, क्योंकि infinite तो दिखाना पॉसिबल नहीं है प्लेन पे। तो हम क्या हमेशा क्या करना है एग्जाम में, ये पॉइंट बना के लिखना कि आरओसी जो होगा उसमें ना जेड इक्वल्स टू जीरो आएगा और ना ही जेड इक्वल्स टू इनफाइनाइट, क्योंकि इन दोनों ही वैल्यूज पे हमारा जो जेड ट्रांसफॉर्म है वो इनफाइनाइट हो जा रहा। तो इसके लिए देखो, अब एक चीज तो यहां से कंफर्म हो गई हमें, इसी चीज को मैं अगर मैं शॉर्टकट में निकालना चाहता, जो आंसर हमारा आया माइनस फोर जेड की पावर टू, माइनस टू जेड, माइनस वन, फाइव जेड इनवर्स प्लस फोर जेड की पावर माइनस टू, अब क्या करना, जब भी फाइनाइट वो देखना, सिग्नल फाइनाइट देखा उसके हमें पता नेगेटिव जो नंबर्स हैं, नेगेटिव मतलब एन की वैल्यू माइनस टू, तो उसके साथ क्या आने वाला, जेड की पावर प्लस क्या आने वाली है, तो बस पहले पोजीशन का पता लगाना कहाँ से वो चल रही है, एन इक्वल्स टू माइनस टू है यानी जेड की पावर टू से शुरू होगा, यानी फोर बस मैग्नीट्यूड की उसके पावर से मल्टीप्लाई करते चले जाना, जेड की पावर टू, अगला मैग्नीट्यूड लिख लिया वो एन इक्वल्स टू माइनस वन पे यानी जेड की पावर वन होगा, ऐसे ही अगला जीरो तो उसके बाद जेड की पावर जीरो के लिए देखना नहीं है। तो कहने मतलब है जब भी हमें फाइनाइट सिग्नल दिखेगा ना, तो इसी तरीके से एक लाइन में खत्म कर देना, वहां पे पूरे शो नहीं करना, ठीक है, ये शॉर्टकट था, इस शॉर्टकट को याद रखना। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हमने देखा एक इंपल्स फंक्शन के बारे में और दूसरा देखा एक फाइनाइट के बारे में। फाइनाइट की प्रॉपर्टी हमें पहले से ही पता थी कि उसका जो आरओसी होता है वो जेड इक्वल्स टू जीरो, जेड इक्वल्स टू इनफाइनाइट को इंक्लूड कर भी सकता नहीं भी कर सकता। जेड इक्वल्स टू जीरो को कब नहीं कर पाएगा, देखो जेड इक्वल्स टू जीरो को तब नहीं कर पाएगा अगर सारा का सारा सिग्नल हमारा क्या आ जाए, लेफ्ट हैंडेड साइडेड आ जाए, केवल नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइन हो, यानी एन इक्वल्स टू जीरो, एन इक्वल्स टू माइनस वन, एन इक्वल्स टू माइनस टू, एन इक्वल्स टू माइनस थ्री, तो इन पर वैल्यू क्या होगी, जेड की पावर प्लस हो जाएगी, यानी केवल वो जेड इक्वल्स टू इनफाइनाइट के लिए होगा। एक बात तो कंफर्म है, अगर सिग्नल हमारा फाइनाइट है
वो किसी कोई ना कोई एक वैल्यू पे डिफाइन नहीं होगा, या तो जीरो जेड इक्वल टू जीरो पे या जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पे। हो पॉसिबल है कि दोनों पे भी ना हो, जैसे ये वाला सिग्नल नहीं था। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही होगा, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।